हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल सारिया नूं। हेलो सुदविंदर जी, तैयार हो जी परसों वेबिनार ली। सो हुण आपां अज तो बाद डायरेक्टली मिलांगे वेबिनार दे विच परसों। सो इंतजार खत्म हो गया दीदी, कदों है वेबिनार, कदों है वेबिनार, कदों वेबिनार है। सो वेबिनार आ गया है परसों, यानी कि 16 सितंबर शामी 7:30 बजे। कल शाम तक सारिया भैणां नूं लिंक भेज दिता जाएगा जिन्होंने भी वेबिनार नूं बुक किया। सो परसों सूट सवालिया तुसीं नवा। सो मैंने बहुत सारे भैनों के मैसेज आए कि दीदी असं नवा सूट सवाया है और असं वेबिनार चाह रहे हैं और असं बड़ा एक्साइटेड हाँ। कुछ भैनों ने तो यही लिखे कि असं तो बड़े डरे हुए हैं, सानू तो घबराहट होनी शुरू हो गई है कि दीदी असं मिलन चले हैं। घबराहट कहती होनी है यार, आप सारिया भैन जिदा मैं एक्साइटेड हाँ, मेरी भी थोड़ी जी धड़कन तेज है क्योंकि मेरा फर्स्ट वेबिनार है। बट जो मेरे नाल गैसट आ रहे हैं स्पैशल गैसट, सो उन्हें करके थोड़ा जा मेरे च कॉन्फिडेंस आ गया कि चलो मेरे नाल आ रहे हैं। सो मेरी मैनू एनकरेज कर आ रहे हैं कि चल गुरली तेरा पहला वेबिनार है, सो आप चलते हैं। सो बड़े मुश्किल के नाल उन्होंने बड़े बिजी शड्यूल विचों टाइम कढ़ाया उन्होंने तो कि नहीं तुसी आओ। सो उस दिन थोनू डबल डबल फिटनेस टिप्स मिलेंगे, ब्यूटी टिप्स मिलेंगे, बहुत कुछ थोड़ा मिलन वाला है। सो सारिया भैनों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहनी हाँ, जिन्ना भी मेरिया भैन ने वेबिनार में बुक किया परसों, तुसी सारिया ने अपने नोट पैड डायरीज अपने नाल रख के बैठना है। मैं थानू जो जो भी दसांगी तुसी फटाफट उन्हों लिखने जाना है क्योंकि ये वेबिनार ना यूट्यूब पर आएगा, कितने भी बाद चो ये वेबिनार टेलीकास्ट नहीं होएगा, इनू एक स्पेशल मेथल पोर्टल वगैरह पर पाया जाएगा एंड टीम विल इनफॉर्म यू कितने होएगा, बट ये हर कोई नहीं देख सकता इस वेबिनार नो, ना तुसी दोबारा देख सकते हो। अगर देखना भी है तो यह प्रोसीजर होएगा, ऐदा कोई भी नहीं देख सकता जिम्मे आप चक के यूट्यूब पर वीडियो पा दें, ऐदा नहीं होएगा। सो प्लीज सारिया भैनों को रिक्वेस्ट है परसों सारिया ने अपने अपनी डायरीज नोटबुक रेडी रखनी है और जो भी मैं थोड़ा दिखावगी सारा कुछ तुसी फटाफट लिखते जाना। थैंक यू जी। हाँ जी अपन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सत श्रीकाल गुरशरण जी, ठीक हो तुसी, थोड़ी सेहत किवें वधिया? हाँ जी हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हाँ। परसों आप मिल रहे हैं, सो सारिया भैन ने एन वधिया तैयार होके आना है, वधिया सूट पाके, जो भी थोड़ी फेवरेट ड्रेस है, वन पीस, जीन्स, वट एवर यू लाइक, सो यू कैन वेयर दैट एंड आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी एक्साइटेड। बार बारिश की आवाज आ रही थोड़ा, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है बॉम्बे के। थैंक यू तुसी सारे भी बहुत ज्यादा क्यूट हो। कोई गल नहीं, जिहड़ियां मेरियां भैणां रह गईयां वो अगला वेबिनार मैं जल्दी लैके आ रही हूँ, मे बी हेयर के उत्ते लैके आवां, मे बी स्किन पिगमेंटेशन के उत्ते लैके आवां। सो कल और अज विच मेरी थोड़ी जी रिसर्च रह गई है, उही मैं तैयारियां करदी पई आं वो पूरियां करके। सो परसों आई एम रियली एक्साइटेड, 7:30 आपां मिलांगे। सो मैं भी हले ड्रेस सिलेक्ट करनी है कि मैं कि ड्रेस पावां। हाँ जी मैं बिल्कुल ठीक हाँ। अज असी गल करांगे बच्चों बारे, किड्स बारे। बहुत सालों तो, बहुत महीनों तो, बड़े दिनों तो मैसेज आ रहे थे दीदी बच्चों बारे दसो, बच्चों बारे दसो, बच्चे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे है बहुत ज्यादा माँ प्यो दे लई, पेरेंट्स दे लई, विच इज नॉट गुड। अज मैं थानू कुछ टिप्स दवांगी, कुछ डाइट दसांगी जो तुसी अपने बच्चों की उहदे विच ऐड करनी है एंड तुसी देखोगे कि यस थोड़े बच्चों नूं किवें फर्क पैना शुरू हो गया। सो सब तो पहले तो मैं ये जानना चाहती हाँ जिन्हें भी मेरिया भैनों ने रिक्वेस्ट की थी कि थोड़े बच्चों की प्रॉब्लम थानू फेस करने मिलती पी हैं, बच्चे की कर रहे। सो मैं थोड़ा लाइव में आंसर देवगी, तुम बच्चा रिगार्डिंग मैं कुछ भी पूछ सकते हो, वो भी मैं थोड़ा दसागी, प्लस किमें उन्होंने हैंडल करना है, कि उन्होंने डाइट देनी है, कि उन्होंने आप करना है, सो दैट साढ़े बच्चे साडा भविष्य बन सकन। थोड़ा पता है सब तो वीडी इन्वेस्टमेंट होंगी है साड़ी बॉडी, सैकेंड इनवैसटमेंट साड़ी विरासत होंगी है साड़ी औलाद। जो औलाद ही चंगी ना निकले तो माँ प्यो का आया ना आया दुनिया से एक बराबर हो जाता है क्योंकि असी सारी उम्र बच्चों के बारे सोचते हैं। कहते जो भी माँ अपने ढिड में बच्चा कंसीव करती है, बच्चा कंसीव करती है, उदों तो ही उसके अंदर एक उम्मीद जाग जाती कि खाए मेरा बच्चा वड्डा होएगा, मैं उसका ब्याह करांगी, सोहनी जी नूं लैके आवांगी, ये करांगी, वह करांगी, इदा करांगी, उदा करांगी। उदों तो ही माँ के अंदर तरह तरह के सुपने बुनने शुरू हो जाते हैं। सो मैं चाहनी हाँ कि हर एक की औलाद चंगी निकले और यही साड़ी असली विरासत है, असी अपने बच्चों सांभ के रखना है,
ਘਰ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੈ ਲਏ ਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਵੀ ਇੰਨੇ ਭਰ ਲਏ, ਸੂਟ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੈ ਲਏ ਆ, ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਲੈ ਲਏ ਆ, ਹੁਣ ਆਹ ਨੈਕਲੈਸ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਆਹ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਪਾ ਲਏ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਗਹਿਣਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਾਂਭ ਲਿਆ। थैंक यू जी, थैंक यू लीना, सी यू डे आफ्टर, सत श्री अकाल अमन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, पहली गल ते जेड़ी प्रॉब्लम बच्चों में सब तो ज्यादा देखने को मिल रही है, वन सेकेंड, जेड़ी प्रॉब्लम बच्चों में सब तो ज्यादा देखने को मिल रही है कि बच्चे बहुत ज्यादा जिद्दी हो गए, बच्चे बैक आंसर करते हैं, बच्चे मामा नूं कुछ नहीं समझते क्योंकि फादर्स मेरे घर तो बाहर चले जाते हैं, शाम नूं आते, या फिर जिहड़ियां वर्किंग मदर्स है उन्हां नूं भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पैंदी है, बच्चे अब्यूसिव लैंग्वेज गालां कढ़दे है, बच्चे बहुत गलत बिहेवियर करते, अपनी जिद पुगांदे है और इन्ना ज्यादा गुस्सा करते कि माँ प्यो ने डरना शुरू कर दिता। तुहानूं पता है सारा कुछ क्यों हुंदा, क्योंकि साडा अपना घर विच की माहौल है। कभी भी ना जो थोड़ा, मैं अपने सारिया भैनों को कुछ अच्छे टिप्स देना चाहवागी, थोड़ा तो थोड़े पार्टनर का जो भी परसनल रिलेशनशिप है वो एक कमरे के अंदर बंद होना चाहिए, हवावां कंधा भी कहें खबर नहीं होनी चाहिए, मियाँ बीबी के चलता पाया, ड्राइंग रूम तक भी गल नहीं आनी चाहिए, जो कमरे की गल कमरे तो बाहर चले जाए तो फिर वो पूरी दुनिया में उड़ जाती, उन्होंने फिर कोई नहीं रोक सकता। तुसी अपने घरे सुखी हो दुखी हो, थोड़ा दो मिनट लिए कोई दुख सुन लेगा कहेगा चल छड़ परे, जे तू इन्नी दुखी है छड़ दे इन्हों, तो कोई होर कर ला, ये कर ला, वह कर ला, कि तुसी गरंटी देने ठेका लेंगे भी जरा इन्हों छड़ के दूजा करूगी वह चंगा होगा, होएगा चंगा, हो सकता इस तो भी ज्यादा गलत हो गए। कदी भी किसी को आ गलत राय नहीं देनी चाहिए भी किसी का घर वसया वसाया बर्बाद हो जाए। कोई भी थोड़े हसबेंड के नाल प्रॉब्लम है उन्होंने पहला तो अपने कमरे में बैठ के उन्होंने सोल्व करो, कुछ भी हो जाए बच्चों के सामने कदे भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना, कदे भी उच्ची आवाज में गल नहीं करनी, कदे भी एक दूजे को गाला नहीं कढ़निया। दिस इज फॉर बॉयज ऑलसो, दिस इज फॉर गर्ल्स ऑलसो, जो भी मेरी इस वीडियो नू देख रहे हैं प्लीज थोड़े सारे हाथ जोड़ के बेनती है बच्चों सामने ते माँ प्यो सामने प्लीज अपने बिहेवियर नू थोड़ा जा कंट्रोल रखा करो। आई अंडरस्टैंड मेरिया बहुत सारिया भैन जी ओवरवेट हो गई, स्ट्रैस में चले गई, उन्होंने समझ नहीं आता जो भी चीज़ हाथ च आती है, जो बच्चे सामने आते हैं बच्चों से गुस्सा निकल जाता है, कुछ भी हो जाए हसबेंड से गुस्सा निकल जाता है। कई बार इतने मेरे को प्रॉब्लम्स आदि कहते कि दीदी असं इन्ने ज्यादा परेशान हो गए, असं विआह तो पहले इन्ने सोहने से फिट से सारा कुछ सगा, हुण सारा कुछ ही साडा खराब हो गया, असि इन्ने फ्रस्ट्रेट हो गया कि सारा गुस्सा बच्चों से निकल जाता है। जदों का बेबी होया जदों का विआह होया साडी जिंदगी बदल गई, साडा सारा कुछ बदल के रह गया। मतलब पहले जो मैं कितने जाती सी सारे मैंने कहते थे बड़ी सोहनी लग रही है, बड़ी फिट है, बड़ी ये लग रही, बड़ी वो लग रही है, हुण मैं कितने भी बाहर जाती हाँ तो मैं बाहर जाते शर्म आती है, ईवन कि मैं फोटो खिचाते शर्म आती है, जो मैं सारे कहते आ तू कि अपना हाल बना लिया, आ की कर लिया, तू तो बड़ी सोहनी सी, तू तो येगा, तो वह सगा। यार जिंदगी च ना हर एक एज आती है, एक टाइम आता है, जो असी यंग सी वह होर टाइम से, विआह करके साडे हॉर्मोनस चेंज हो जाते हैं, बच्चा करके होर ज़्यादा हॉर्मोनस चेंज हो जाते हैं, वक्त 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 की गल होंगी है, टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम। जे अज कोई गल नहीं मोटे हो भी गए पतले हो जाए, पिगमेंटेशन हो भी गई कोई गल नहीं कर देंगे पतले, कि वही गल है क्यों हुई है, शरीर में कोई कमी होगी, असी वो चीज़ा नहीं खादिया, असी वो चीज़ों की कमी को पूरा करा फिर फिट हो जाएंगे। दुनिया में कोई भी यहोजा काम नहीं है जो असी नहीं कर सकते, इस करके अपने पार्टनर्स नू ये छोटिया छोटिया गल्लां ते ताने मेणे मारने बंद करो। जनानियां सारा दिन घर का काम सांभदियां, घर सांभदियां, थोनू थोड़े बच्चों सारा कुछ सांभदियां, उस तो बाद भी तुसीं उन्हां नू बॉडी शेमिंग करो, तू तो मोटी है, तू तो इदा होगी, तू तो उदा होगी, तू तो बुढ़ी होगी, तेरा फेस इदा हो गया, तू तो उदा हो गया। नो, दिस इज नॉट राइट। ये कुड़ियों ज्यादा स्ट्रैस होंगे, एक तो थोड़े घर आके विह करके थोड़ी औलाद में जन्म दें, थोड़ा घर चला है, यह सारा गुस्सा फिर जनानिया का बच्चों उत्ते निकलता है, या फिर घर के मैंबरस से निकलता, तो या फिर लाइफ पार्टनर के उत्ते निकलता, तो बच्चों के उत्ते जो ये असर पैदा है बच्चे अग्रैसिव हो जाते हैं। हम सपोज मेरा बच्चा है कोई, ठीक है, मैं अपने बच्चे को गलती कर वर्ग ने की कह रहा, तू तेन समझ नहीं आती, पागल हो गया, अगला भी मैं उदा ही बोलेगा, बिल्कुल इदा ही रिप्लाई करेगा, या उदे नाल जेड़े भी कोई उदे फ्रेंड्स होंगे सेम टू सेम वो इदा जाके अपने दोस्तों के नाल गलबात करेगा। तुसीं ये भी कह सकते हो व्हाट आर यू डूइंग, डोंट डू दिस टू मी, आई डोंट लाइक दिस, मैनू ये पसंद नहीं है, ये काम नहीं करना।
हुण हो गया दोबारा नहीं करना, अदरवाइज यू विल मिस योर फेवरेट शो. बच्चियां नू अपने फेवरेट शो बहुत प्यारे होंगे. मैं देखिया छोटी उम्र के बच्चे भी आईपैड लैके साडे घरे, भी मेरा भतीजा आईपैड तो बिना रोटी नहीं खाता. ठीक है, बच्चा जिवें दी आपां आदत पावांगे रोटी जां दुध सारा कुछ देख देख के, मोबाइल देख देख के असीं खाने, मोबाइल देख देख के असीं खाने, यही चीज़ां नू असीं प्यार नाल हैंडल कर सकते हैं. जरूरी नहीं है असीं उन्हां दी हर जिद नू पुगाना, नो किन्ने के प्यार नाल भी असीं उन्हां नू हैंडल कर सकते हैं. जिन्ना दा असीं उन्हां नाल बिहेवियर करांगे सेम सानू रिस्पोंड मिलेगा. बच्चे एक कच्ची कली एक फुल वांग हुंदे है, जो घर का एटमोसफेयर उन्होंने मिलेगा. इंग्लिश गल करोगे बच्चे भी इंग्लिश गल करेंगे, पंजाबी बोलोगे बच्चे भी पंजाबी बोलेंगे, हिंदी बोलोगे बच्चे भी हिंदी बोलेंगे, सारा कुछ ये उदा ही होएगा. देखो तुसी पढ़िया लिखिया मावां, अज असी जो कर रहे हैं सेम साढ़े बच्चे साढ़े परछावें साड़ी शैडो है, सेम टू सेम उ चीज़ा रिपीट करेंगे. जे तुसी हेल्दी हो तो सारे बच्चे कहेंगे वाओ मामा यू लुक सो यंग, यू लुक सो फिट. अजकल के बच्चे इन्ने ज्यादा मतलब एक्टिव हो गए, मैं कहनी हूँ कंप्यूटर भी पिछे छड़ते हैं. तुसी थोड़े जे मोटे हो जाओगे ना, तो मैं तुहानूं दस्सदी मेरी कजन सिस्टर है उहदा बच्चा आया सी मेरे घरे, ठीक है, मैं उन्हें चक्या तो उन्हें क्या मासी का तो ढिड ही नहीं है, मम्मा तुहाडा तो ढिड बहुत ज्यादा है, अपना ढिड घट करो. मैं उन्होंने इदा चक्या जो मैं लक से रखा तो उन्हें मतलब उन्हें मेरे लक में इदा अपने पैर ना जफ्फी पा ली, तो उन्होंने बड़ा कंफर्टेबल लगा, बड़ा अच्छा लगा, है ना. तो उन्हें इमीजिएटली जाके अपनी मम्मा ने कहा मम्मा तुसी तो बड़े मोटे हो, मासी तो बड़ी पतली है, तुसी भी मम्मा मासी वांगू पतली हो. ही वॉज जस्ट 3 to 4 years, चार तो 3 to 4 साल का बच्चा सीगा. सोचो उस बच्चे दे भी दिल कीता कि मेरी माँ भी फिट होवे, मेरी माँ का ढिड है ये जो मैं चकती है जा जल्दी थक जाती है. अजकल बच्चे डिमांडिंग हो गए, बच्चों नूं भी फिट मावा पसंद है, एक्टिव मावा पसंद है, सोहनिया मावा पसंद है. माँ तो सारे दी सोहनी हुंदी है, बट असी बच्चों सामने हमेशा ही एक्टिव रहना है. जे कितें दर्द भी हो रही है हाय हाय नहीं करना, नहीं तो बच्चे थोड़ियां रीसां लाउणगे. मेरे को बड़े सारे क्लाइंट्स थे कैनेडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तो, इंडिया तो भी, तो जो उन्होंने हाय हाय करनी ना मेरे तो डाइट लैन तो पहला, तो डाइट लैन तो बाद उन्होंने हाय हाय बंद होगी. तो उन्होंने मैंने कहा गुरली सब तो पहला तो मैं ये दसना चाहनी कि मेरा जो मुंडा वह मेरिया रीसा लाता सी ते हाय हाय मम्मा तुसी हाय हाय हूँ कहता कि मम्मा तुसी हाय हाय नहीं करते की करोगी थोड़ी हाय हाय कितने चलेगी. लिटरली अपनी माँ वांगू चलता सी हाय हाय हाय. शी वॉज वेरी यंग बट उन्होंने दो सर्जरिया हुई सी करके उन्होंने रीढ़ की हड्डी से वेट भी बहुत ज्यादा सीगा, भार पैना शुरू हो गया, दबनी शुरू हो गई, दर्द शुरू हो गई. जिद ही उन्हें वेट लूज किया दर्द खत्म हो गया. और बच्चों ने सब तो पहला इस चीज़ को नोटिस किया बच्चों के सामने. स्पेशली मैं दादा दादी में गल कहना चाहनी हूँ कि जो भी घरे कोई भी बच्चा छोटा होंगे ना असं की करते हैं, हाँ जी मैं लाइव लवेंगी जी सू सारे असं की कहने अच्छा इदा कर वह गल कट के दिखा, वह गल कट के दिखा, ये गल कट के दिखा. बच्चा की करता बच्चे को पता होंगे यार वह गल कट देंगे नाना नानी दादा दादी इदा खुश होंगे भी पता नहीं कि वीड्डी ट्रॉफी साडे बच्चे ने हासिल कर ली है अज गल कटती है. यही गाल जो बच्चा वड्डा होके कढ़दा है तो उही नाना नानी दादा दादी मत्थे ते हाथ मार के रोंदे है भी काश असी इहनूं उदों ही रोकिया हुंदा. हौली 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 गालां तो हिम्मत वधदी है, फिर यारियां दोस्तियां उहो जिहे सर्कल च हो जांदियां है. हौली हौली करदे 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 एक दिन बच्चा इन्ना अगे लंघ जांदा है कि मावां भी कुछ नहीं कर सकदी, कोई भी कुछ नहीं कर सकता. सो द मोमेंट वो पहली बार गाल कटता है या गलत बिहेवियर करता है उत्थे ही उन्हें रोक देना चाहिए, डोंट डू दिस अगेन, ये दोबारा नहीं चीज होनी चाहिए. अज होगी जो अगला कहेगा पापा गाल कटते हैं जो गाल कटद है शायद थोड़ा इतों पता चल जाए कि बच्चे ने गाल प्यो तो सीखी है जो तो सीखी है. जो भी घर में गाल कटता कदे भी बच्चा सामने वो माहौल नहीं क्रिएट करना जो तुसी नहीं चाहते थोड़ा बच्चा कि तुसी चाहते हो थोड़ा मुंडा कल जिन्हों व्याह के लैके आए उन्होंने गाला कटे उहदे नाल गलत बिहेवियर करे. मैनूं नहीं लगता कोई माँ चाहती होएगी क्योंकि माँ एक आप औरत है, एक फीमेल है. सो बहुत सारे केसिस दे विच मैं यह भी देखिया कि एक कॉलर लैंदे आ कॉल्स बहुत ज़्यादा है. इस तो बाद मैं थोड़ा होर टिप्स देनी दस दिया. हां जी,
हाँ पहला तो सारिया मैडम ने दसो कि बोलते मैनू। हाँ जी, मैं नवनीत, मैं समाण पटियाले दे कोल समाणा शहर आ, उतो गल कर रहे हैं असि। अच्छा हेलो, हाँ जी, मेरा तुम बेबी कहाँ जस्सी। हेलो को, हेलो मासी, बोलो। हेलो शशि का की करता सी तुसी पूछो कर, ड्राइंग की। ड्राइंग कर रहे हैं? ड्राइंग कर रहे, वेरी गुड। की बनाता सी, की एप्पल। बनाता सी? पूछो तुसी ठीक हो? ठीक मैं ठीक हूँ, तुसी ठीक हो? तुसी रोटी खादी? रोटी तुसी खादी? थोड़ा थोड़ा की नाम है मेरे पुत्र का? की नाम की नाम है पुत्र तोड़ा, का? हाँ मामा तोड़ा नाम की है? काकू काकू। काकू थैंक यू, बोलो। क्यूट बेबी है, थैंक यू क्यूट बेबी ते मासी, बड़ा सोना लग रहा है। गल लाइन चिट्टी ठीक पाई है, करो। केड़ी चिट्टी पाई है? हाँ केड़ी चिट्टी पाई मेरे पुत्र ने इतनी छोटी उम्र च? नहीं एक ही पाया दसो, के चांदी दी पाई है? चांदी के चांदी पापा दी ने, पाई है पापा ने। पापा लेके आए हाँ सी। गुस्सा गुस्सा आता है जेड़ा चांदी पाई है, देख लो बड़ी इतनी छोटी है। हां जी, हां जी, हाँ जी रोंदा हाँ जी हुंदा सी छोटा सारिया, हाँ होया। जी हाँ जी हाँ जी दसो प्लीज। ए ना छोटा हुंदा रोंदा बड़ा सीगा, अच्छा ते हुणे 2.5 साल दा, 2 महीने ऊपर हो गया दीदी। ते हाँ जदों होया सी उदों रात नूं सोंदा नहीं सी, बहुत रोंदा हुंदा सीगा। ते हाँ हुण भी घट सोंदा आ, जो नींद बहुत घट लेंदा आ। हाँ हां जी, एक हां ना जी, इन्हों पहला तो तुसी ये दसो सारिया नो अपना 15 दिनों का एक्सपीरियंस दसो सारिया भैनों। हाँ जी, मैं सारिया भैणां नूं कहना चाहनी हां कि मैं दीदी तो 15 दिन पहला डाइट ले जानी स्टार्ट कीती सी, ते अज मेरे 15 दिन कंप्लीट हो गए कल। ते 15 दिनों दे विच मैं अपना 4.5 किलो वेट भी रिड्यूस कर लिया आ। नाल मेरा होर भी कई प्रॉब्लम्स सीगियां, मेरी गोड्यां विच बहुत पेन हुंदी सी, ओह भी काफी हद तक ठीक हो गई आ। ते मेरे पीरियड्स भी ठीक आए ने, ते मेरा भारीपन सी राइट साइड बहुत ज्यादा रहिंदा, बहुत पेन हुंदी सी कि मैं जो कुछ खांदी सी जां ना खावां, ओह भी बिल्कुल ठीक हो गया आ। ते पेट मेरा बहुत बाद मैनू जाना पैंदा सीगा टॉयलेट, ओह भी मेरा हुण ठीक है। बाकी भी मैनू पता मेरी प्रॉब्लम्स ठीक हो जानियां जल्दी, अजे सिर्फ मेरे 15 दिन ही सारे हो गए। और थोड़े फेस से बड़ा ग्लो आना शुरू हो गया, तुसी देखे बहुत अच्छा हाँ लग रहा जी, है। हाँ जी, हाँ जी, नहीं हाले और साफ होएगा, हाँ जी, हाँ जी, हो जाएगा डिनर सारा कर कुछ। लिया। सानू यकीन ना तुहाडे ते लिखा हो जाएगा सारा कुछ। हाँ बस ये यकीन ही चाहिए, यकीन नाल ही हाँ, बड़े बड़े बेड़े पार होंगे हैं, और यकीन ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मैं पूरे 1.5 साल दीदी वेट कीती है गी, क्योंकि बेबी छोटा सी, मैं डाइट नहीं लै सकती सी, पर वीडियोस वेखदी सी मैं, एक दिन लैनी है डाइट, मैनू प्रॉब्लम आ, मैनू सिस्ट दी कि मैं लैनी जरूर आ, पर मैं लैनी दीदी तो ही हैगी आ। ते अज चलो बाबा जी की कृपा नाल, चलो हुण थोड़ा जिहा समझदार हो गया है, ते शुरू कीता ते बहुत ज्यादा फर्क पै रहा हौली हौली। नवनीत पर एक गल दसो, देखो जिवें बहुत सारिया डाइटिशियंस है, बहुत सारिया राइट, हाँ जी, यूट्यूब खोलो कितने भी खोलो, क्यों मेरे तो नहीं डाइट है, उन्हें तो क्यों नहीं है? पहली गल तो यह है कि जदों असीं तुहानूं वेखदे हाँ ना, ते तुहानूं वेखदे सारी पता लगदा भी तुसीं इह कम कर रहे हैगे, तुहाडा शरीर, तुहाडी बॉडी, तुहाडा फेस सारा कुछ दसदा हैगा आ भी हाँ तुसीं सच्ची इह कम। उहनां नूं वेखदे हैं, उहनां दे मतलब बॉडी दसदी नहीं भी उह सच्ची डाइटिशियन ही होणगे हैं। ते बाकी तुहाडी वीडियोस दे नाल बहुत ज्यादा मतलब तुसीं मैनूं अमृत वेले नाल जोड़दे हैगे हो, ते सानू पाठ करन लई दसदे हैगे हो, इहदे नाल भी बहुत ज्यादा मतलब वधिया लगदा हैगा आ, ते गुस्सा घट आउंदा आ, सारा कुछ कंट्रोल हुंदा आ। ते एक तुसी कहंदे हो कि नेचुरली करांगी, कोई मैं शेक नहीं देना, कोई मेडिसिन नहीं देनी हैगी आ, ते ओह भी चीजां मतलब सुनदे रहे सीगे, ते पता सी भी हाँ कुछ कोई दवाई नहीं देणगे ठीक हो जाएंगे। ते बाकी तुसी ये भी दस दियो कि हमेशा लई ठीक हो जाओगे, ऐदां कोई गारंटी हमेशा नहीं ही मिलदा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तुसी देखियो हर रोज थोड़ी बॉडी बदलेगी, हर रोज हाँ जी, हाँ जी, एक एक कदम तुसी अगे जाओगे। जे कल घट एनर्जी सी, अज ज्यादा एनर्जी होगी, परसों उस तो ज्यादा होगी, दिन ब दिन रंग च भी थोड़ा साफ हुंदा जाएगा। तुसी हाँ देखियो जी, बाबा ने, हाँ बाबा जी, जी ने चाहे ना चश्मा, इस स्पेक्स भी हट जाएंगे, हाँ जी, हाँ जी, ठीक देखियो है। तुसी। थोड़ी मैं जेडी डाइट है सच्ची मैजिकल हैगी है। हाँ मैंने ये दसो, थैंक यू डियर। एक था ना जी, बेटे नू राती ज्यादा मिठिया चीजा नहीं देनी, ठीक है जी, है ना? हुन डिनर की मिठिया करता है, की खांदा है डिनर दे विच? इन्हें मतलब परौंठी खानी है ये दही दे नाल। परौंठी? ठीक हाँ है जी, लून ते ओके जवैन वाली परौंठी।
ठीक है, खा ली है ने? हाँ जी खा ली, हुन दो बोतल पिएगा जदों सोना होएगा 10 बजे। ओदे च मिठा घट पायो, रात नूं ना जदों असीं बच्चियां नूं मिठा दिंदे आ ते ओह होर ज्यादा एक्टिव हो जांदे। ठीक है दीदी, ठीक है। और दिने दिने इहनूं घट सोवाणा, ज्यादा नहीं सोवाणा, क्योंकि कल नूं देखो इहने स्कूल पढ़ने पैणा है, ते एदां ते इन्नी लेट रातां नूं जागेगा, सवेरे लेट तक उठेगा, स्कूल दा टाइमिंग किवें सेट होएगा, इरिटेट हो जाएगा, फिर गुस्सा करेगा, रोएगा। इत्थे तो चलो मां सांभ लैंदी है, स्कूल विच कौन सांभेगा। हाँ जी हाँ जी, वो तो है। हुण तां सवा दो साल दा हो गया ना, होर मेरे नाल तीन चार महीने तक इहनूं तुसीं बोर्डिंग छोटे वाले स्कूल च पाओगे, प्री नर्सरी स्कूल च पाओगे। हाँ जी हाँ जी, पावांगे जी, है ना। और दिन च कितनी स्लीप लंदा है? दिन च ना मतलब रेगुलर नहीं सोंदा, किसी दिन ना जिम्मे सवेरे बहुत जल्दी उठ गया 5 बजे या 6 बजे, फिर 1 घंटा सोएगा, अदरवाइज 8-9 बजे उठता है, फिर हुन अज 8-9 बजे दा उठया होया, अज नहीं सारा दिन सुत्ता है। बस ठीक है, आप भी जल्दी सो जाओ, इन्हू भी जल्दी सोओ। हाँ जी, हुन असि बस 9:30-10 बजे तक सो जाएंगे हुन असि। हां इन्हे सो लेना हुन, सो जाओ, राती उठे तुसी लाइटा नहीं ऑन करनी, कोई लाइट चलेगी पुत। ठीक है जी, नहीं तो फिर जागण की आदत पै जाएगी। और डाइट का मैं तुम दस दिया, इनू हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट दिया करो, जिते ज्यादा प्रोटीन हुवे मैं तुम्हें सारा कुछ दस देनी हां, ठीक है। बट रात को मिठिया चीजा ते ज्यादा प्रोटीन रात को नहीं देना, ठीक है। डाइट जरूर देनी है बट रात को मिठा नहीं देना कदे भी किसी बच्चे, जे किसी दिन दी नींद खराब हो जाए ना ਇਹਨੂੰ ਬੇਚੈਨੀ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਊਗਾ ਮੰਮਾ ਮੇਰੀ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲਾਓ, ਹਨਾ, ਫਿਰ ਘੁੱਟਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਮਾਲਿਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਹਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਦਰਦ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੀਣ ਵੀ ਇੱਕ ਢੱਕਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਟਿੱਕ ਜਿਵੇਂ ਬੜਾ, ਫਿਰ ਰੋਂਦਾ ਬੜਾ, ਬੜਾ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋ ਭੇਜੋ। ਹਾਂਜੀ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਪ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਐਨੀ ਐਨੀ ਯੰਗ ਏਜ ਚ ਨਾ, ਨਾ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ ਯਾਰ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਡਨੀ ਲੀਵਰ ਹੁਣੇ ਖਲੀ ਤੇ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 5-6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੇ ਦੇ ਆਰਗਨਸ ਬੰਦੇ ਪਏ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਕਦੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜੇ, ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਤਪਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਇਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੀਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਦੁੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਦਈਏ ਇਹਨੂੰ ਡਾਈਟ? ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਵੀਕਨੈਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪੇ ਖਾਂਦਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੀ ਖਵਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਦੀਦੀ। ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈਲਪਰ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਨਾ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਕੋਕੋਨਟ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਮਸਾਜ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ। ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ? ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਪੱਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੈਗਸ ਤੱਕ, ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਖ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਖਾਂਦਾ? ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਖ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖਵਾਈਗੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਲਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਖਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰੋ ਥਾਈਸ ਤੇ, ਲੈਗਸ ਤੇ, ਪੈਰਾਂ ਤੇ, ਥਾਈਸ ਤੇ, ਲੈਗਸ ਤੇ, ਪੈਰਾਂ ਤੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅੱਜ ਥੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਲੱਤਾਂ ਪੋਲੀਆਂ ਪੋਲੀਆਂ ਏਦਾਂ ਏਦਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੈਠੇ 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 ਬੈਠੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਲੈਵਲ ਸਲੀਪ ਵਾਲਾ ਲੈਵਲ ਬਣੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਬਾਡੀ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ, ਔਰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 10 ਵਜ ਗਏ ਸਾਡੇ, ਮਤਲਬ 9:30 ਤੁਸੀਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, 10 ਵਜੇ ਸੋਣਾ, ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਡਿਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਪੋਲੀ ਪੋਲੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰੋ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰਾਤ, ਇਹਦਾ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਪੋਲੀ ਪੋਲੀ ਸਿਰ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਰਾਤੀ ਜੂੜਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਢਿੱਲਾ ਕਰ ਦੋ, ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਬੰਨਣਾ, ਉਹ ਵਾਲ ਵੀ ਖਿੱਚੇ ਖਿੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਖਿੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੂੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਢਿੱਲਾ ਢਿੱਲਾ ਕਰਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਲੰਬੇ ਵਾਲ ਹੈ ਇਹਦੇ, ਵਾਲ ਥੋੜੇ ਇਨੇ ਡੋਰੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਖਰੀਦਿਆ, ਪਰਾਂਦੀ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜੂੜਾ ਕਰੀ, ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਮਸਾਜ ਕਰੋ ਫੁੱਲ ਬਾਡੀ ਤੇ, ਹਫਤੇ ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਮਸਾਜ ਕਰੋ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਰੋ ਫੁੱਲ ਬਾਡੀ ਤੇ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰੀਮ ਲਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿਰਫ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਮਸਾਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ, ਸਿਰਫ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ। ਠੀਕ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਓ, ਦੇਖੋ ਦੀ ਇਹਦੀ ਸਕਿਨ, ਫੇਸ ਤੇ ਨਾ ਵਾਈਟ ਲਾਈਨਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਦੁੱਧ ਤੇ ਲੈਂਦਾ, ਬੋਤਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਗਿਆ ਬੋਤਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਂਦਾ ਦੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਕ ਦੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਓਰ ਮਿਲਕ ਦੋ, ਵਧੀਆ ਵਾਲਾ ਮਿਲਕ ਦੋ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ ਵੀਕਨੈਸ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਪੋਲੀਆਂ ਪੋਲੀਆਂ ਘੁਮਾਓ, ਮਤਲਬ ਦਬਾਓ ਇਹਦੀਆਂ, ਔਰ ਡਾਈਟ ਅੱਛੀ ਕਰੋ ਇਹਦੀ,
डाइट अच्छी करो। ब्रेकफास्ट की खांदा इन्हें दो टाइम मतलब सवेरे उठ के एक बारी बोतल पी के फिर इन्हें घंटे दो घंटे बाद फिर परौंठी ही लेनी है दही दे नाल। दोपहर नू फिर कुछ फ्रूट खा लिया जां फिर कुछ और बना लीदा है गाया। ठीक है मैं हुणे डाइट दस दी आ तुसी ओही डाइट अगर फॉलो कराओ तुसी हफ्ता 10 दिन करो देखो एक दिन अंदर एनर्जी आ जाएगी एक्टिव हो जाएगा और रात नू सोण तो पहला इन्हू रिलैक्स करो टीवी फोन मोबाइल सब कुछ बंद कर दो। दुध जिवें कितनी बार दे सकदे आ दुध तुसी ओनू तीन बारी भी दे सकदे हो दो बारी भी दे सकदे हो कुछ नहीं हले छोटा बच्चा ओनू केड़ा फैट चढ़नी है दुध तां दो ओनू सवेरे दो दुपहरे दो शामी दो जदों मंगदा ओनू दो। थोड़ा जा तुसी दही विच काली मिर्च पा दिया करो हल्की जी ना दे बराबर तुसी पनीर परौंठा दे सकते हो इनू चुकंदर का परौंठा दे सकते हो ब्रोकली का परौंठा दे सकते हो हेल्दी परौंठे दो केड़े परौंठे देने हो प्लेन देने हो। हां जी आलू वाला ले लेंदा है हुन जदों दी मैं डाइट स्टार्ट कीती हैगी आ हुन मैं चुकंदर वाला भी दे देनी एक दो दिन छड़ हां चुकंदर वाला भी दो हां चुकंदर वाला दो गाजर वाला दो ब्रोकली वाला परौंठा दो बहुत अच्छा है ये। ठीक है जी ठीक है ना ये सारे नु करो मैं हुन दसदी हां केड़ी केड़ी चीज ऐड करनी है तुसी भी ऐड करो और अपनी डाइट भी वधिया तरीके नाल फॉलो करनी है और यदि कोई भी रिकॉर्डिंग प्रॉब्लम होती मैंने दसो तो मैंने वो दी फोटो खींच के भेजो जो दवाई दे रही हूं वो दी सॉल्ट देखा दवाई देनी बंद करो बच्चे ने ठीक है मैं बड़ी छोटी उम्र है। हां जी हां जी ठीक है दीदी चलो ठीक है ओके टेक केयर ओके दीदी थैंक यू बाय बाय सत श्री अकाल बाय बाय सत श्री अकाल। एक प्रॉब्लम जेडी सब तो ज्यादा ए नवनीत सिगे पटियाले समाणे दे कोल इन्होंने 3 मंथ्स दा पैकेज दित्ता इन्होंने काफी ज्यादा फेशियल हेयर सिगे और काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हुंदियां सिगियां पीरियड्स नु लैके दर्दां बड़ियां हुंदियां सी गोड्यां विच पेन हुंदी सी क्या कितनी यंग एज है जबकि शरीर विच जान ही नहीं रही 1.5 साल तो वेट कर रहे सी कदों मेरा बेबी वड्डा होवे ते मैं डाइट लवां। सो यह हुंदा विश्वास मैनू यह बड़ा चंगा लगता है 1.5 कईयां ने 2 साल जदों मैं काम शुरू किया उदों दे इंतजार कर रही कि सी गुरलीन तो ही डाइट लैनी। सो एक रिस्पोंसिबिलिटी बन जाती है थोड़े शोल्डर्स दे उत्ते ना कंधियां दे उत्ते मोढ़ियां दे उत्ते एक भार आ जाता है कि यस यह जिम्मेवारी इहनूं मैं चंगे तरीके नाल निभाउणा है। बच्चियां नूं तुसीं ज्यादा देर तक फोन नहीं देना जिहड़ी सब तो वड्डी प्रॉब्लम फैल रही है। मां प्यो अपने घर दे काम करते रहते हैं मामा अपने फोन ते लगे रहते एक फोन असी बच्चियां नूं दे दिंदे आ ते बच्चे उत्थे होमवर्क करन दे बहाने नाल सारा दिन वीडियो गेम्स खेडते रहते हैं। कुछ इहो जिहियां वीडियो गेम्स आ गईयां जो बच्चे नूं इन्ना ज्यादा अग्रेसिव कर दिंदियां कि उह मामा दे खिलाफ कोई भी एक्शन लै लैंदे क्योंकि बच्चियां नूं पता ही नहीं चलदा उह गेम खेडदे 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 उस लेवल से पहुंच जाते कि उन्होंने बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो जे कोई उन्होंने उस गेम नूं खेडन तो मना करेगा या फोन खोएगा वह उसका सब तो वड्डा दुश्मन बन जाएगा। बच्चों का टाइम रखो ठीक है तो यह काम किया तो अपना होमवर्क कंप्लीट किया हम मैं तेन 15 मिनट का स्क्रीन टाइम देवगी 15 मिनट तो जी गेम खेडनी है खेडो और बैठो वो फोन के यूज कर रहा है ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਸੇਮ ਬੱਚੇ ਉਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਓ ਆਪ ਵੀ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਬਣੋ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਦਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਫਾਦਰ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਥੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸੇਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਸਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਬਣੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡੋ ਜੋ ਗੇਮਸ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਡੋ ਫਿਰ ਦੇਖਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਲਈ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ B12 ਐਂਡ ਆਇਰਨ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਵਿੱਚ ਐਗਸ ਜ਼ਰੂਰ ਐਡ ਕਰੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਰਪ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪਲੀਜ਼ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਰਾਈਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ
अगर परौंठा भी देना है उसके विच भी प्रोटीन ब्रोकली बीटरूट ये चीजा जरूर होनी चाहिए। पनीर परौंठा जरूर होना चाहिए। अगर तुसी चिकन नॉन वेज नहीं खाते, अगर ऑमलेट खाने हो, एग्स खाने हो, तो ऑमलेट जरूर ऐड करो उन्हां दी डाइट विच। ब्राउन ब्रेड दे सकते हो या परौंठे दे उत्ते तुसी ऑमलेट दे नाल उन्हां नूं परौंठी दे सकते हो। थोड़ी देर बाद उन्हां नूं हर 2-2 घंटे बाद तुसी मील्स देना। दिन दे 5 तों 6 मील्स बच्चों नूं जरूर देने है। सैकेंड मिड मील दे विच तुसी उन्हां नूं कोई शेक बना के दे सकते हो, कोई स्मूदी बना के दे सकते हो, मैंगो शेक दे सकते हो, बनाना शेक दे सकते हो, कोई भी शेक दे सकते हो। लंच विच अगेन इफ यू आर नॉन वेजिटेरियन तुसी चिकन करी बना सकते हो, फिश करी बना सकते हो, मटर पनीर बना सकते हो, मटर मशरूम बना सकते हो, राइस दे सकते हो, उन्होंने परौंठी दे सकते हो, फुलका दे सकते हो, छोटे जे देसी घ्यो दी परौंठी बना सकते हो। एंड तुसी की करना है, अगर थोड़ी प्लेट है उहदे विच सैलड भी जरूर ऐड करना है। बच्चों को किसी रूप में वेजिस जरूर ऐड करनी है। देन परौंठी दे दो, पनीर का आइटम जरूर होना चाहिए बच्चों की डाइट विच। तुसी देखियो राइस जरूर दो उन्हें, तुसी किसी भी रूप में वेज पुलाव बना के दे सकते हो। तुसी राइस, चपाती, परौंठी, सब्जी जरूर देनी है। नहीं नहीं बच्चा ये नहीं खाता, बच्चा वो नहीं खाता, क्यों नहीं खाता, क्यों नहीं खाता? बच्चे खवाओगे तो बच्चा खाएगा ना। जो बच्चे ने मना करता ओके ठीक है चलो ये नहीं, नो ओदी चॉइस नहीं चलेगी, थोड़ी चॉइस चलेगी, क्योंकि उन्हें नहीं पता वो वड्डा हो रहा है, उन्हें की खाना, उसकी बॉडी लिए की अच्छा है, उसकी वीकनेस आ जाएगी उसकी बॉडी के विच। देन इवनिंग दे विच तुसी उन्हें कोई फ्रेश जूस बना के दो, फ्रूट्स जरूर ऐड करो उसकी डाइट विच। तुसी उन्हें कीवी दो, कदे तुसी उन्हें अनार दो, कदे तुसी उन्हें एप्पल दे सकते हो। डेर विच एक बार या दो बार उन्हें फ्रूट्स जरूर देने हैं। डिनर विच भी अगेन रोटी, सब्जी, राइस, ये सारा कुछ उसकी प्लेट विच ऐड होना चाहिए। कलरफुल बना के दो, जिवें रंग बिरंगियां चीजां, प्रेजेंटेशन और या प्लेट्स अच्छी होनी चाहिए, उन्हें सजा के रखो। यू कैन ऐड योगर्ट उसकी डाइट विच ऐड करो, बीन्स ऐड करो, स्वीट पोटैटो, शक्करकंदी ऐड करो, एग्स ऐड करो, देन यू कैन ऐड नट्स, avocado seeds, then you can add all these things. Banana bachcha di diet ch bahut zaruri hunda, whole grain add karo, then tusi blueberries kise bhi tarah di berries add karo, jis vitamin c hunda, vitamin d, b12, iron, vitamin c, ye bachchiyan li bahut zyada zaruri hunda. Khansi kyon hundi hai dear? फिश एग्स नहीं खा सकते, तुम्हें पता एग्स बच्चों लिए बहुत जरूरी है, बच्चों का ब्रेन डिवेलप होता है एग्स के ना। चिकन नहीं खा सकते इट्स ओके, फिश नहीं खा सकते इट्स ओके, बट एग्स बच्चों लिए बहुत जरूरी है। देख के देखो थोड़ी बच्चे की ग्रोथ बहुत बढ़िया होगी। थोड़ी देर भी दे सकते हो, बाद में छोड़ सकते हो। पनीर दे दो, बट पनीर में वो चीजा नहीं होनी जो एग दे विच ओमेगा 3 है, सारा कुछ एग दे विच है, और ये जरूर असी डाइट विच ऐड करना। लीवर विच गर्मी है उसके लिए। किन्नी एज दा थोड़ा बेटा? एग्स विच विटामिन डी होंदा, बी12 होंदा, आयरन होंदा। अगर तुसी चाहुंदे थोड़े बच्चे दी अच्छी ग्रोथ होवे, स्किन अच्छी रहे, बार बार इम्यून सिस्टम ना खराब होवे, हेयर फॉल ना हो, लॉन्ग हेयर हो बच्चे दे, तुसी उन्हों प्लीज उन्हें डाइट भावे 6 महीने लिए एग्स जरूर ऐड करो। हार्डली तुसी उन्हां नूं आसन करा सकते हो, स्ट्रेचिंग करा सकते हो। मैं सवेरे योगा कीता सी बच्चों लिए, योगा बच्चों नूं जरूर करो, बच्चों को सवेरे वॉक करो, शाम में वॉक करो। छोटे बच्चे हैं तो उन्हां दे नाल आप लेके जाओ, उन्हां नूं वॉक कराओ, तुसी देखो किवें वो एक्टिव हो जाएंगे। अगर लेजी रहेंगे दैट मीनस उन्हां दी डाइट विच उन्हां नूं चीजा नहीं मिल रही जो देनिया चाहिए है। मैनू जस रंधावा अपने बेटे की मैनू फोटो भेजो, मैनू ओदी हाइट वेट सारा कुछ भेजो। हाँ जी एग बिल्कुल डेली खवा सकते हो तुसी डियर। टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम है, गरारे करो, मैनू भी छोटे ने टॉन्सिल सीगे। हाइट इंक्रीज नहीं हो रही, उन्होंने स्ट्रेचिंग करवाओ, जिहड़े लटकन वाले झूले होंदे आ वो करवाओ। 9 ग्राम घट कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन लिए उन्होंने लिक्विड चीजा ज्यादा दो, जूस दो, स्मूदीज दो, शेक्स दो। टैबलेट्स नहीं देनी है बच्चों को, प्लीज कोई भी दवाइयां नहीं देनी है। हाँ जी एग जरूर दे सकते हो, आयरन की कमी है, तुसी उन्हें पालक का सूप बना के दे सकते हो, पालक ऐड करो, सारा कुछ ऐड करके उन्हें शाम को 6-7 बजे सूप का बाउल जरूर दो बच्चे को। तुसी चुकंदर, पालक, ब्रोकली,
ਘੀਆ ਟਮਾਟਰ ਗਾਜਰ ਪਿਆਜ਼ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਇਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮਿਕਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੋ ਉਹਦੇ ਚ ਪਨੀਰ ਸੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਮਸ਼ਰੂਮ ਸੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਗ ਸਿੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਛ ਵੀ ਸਿੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਟ ਇਹ ਸੂਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਦੇਖਿਓ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪਾਲਕ ਚੁਕੰਦਰ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਈਜ਼ ਵੀਕ ਹੈ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੋ ਨਾਲ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੂਪ ਦਿਓ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੈਜਿਸ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਵੈਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਓ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਓ ਬੋਇਲ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਸੌਤੇ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਵੀਕਨੈਸ ਹੋਏਗੀ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕਰ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕਰ ਪਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਸਟ੍ਰਾਬੈਰੀ ਪਾ ਦਿਓ ਬਲੂ ਬੈਰੀਜ਼ ਪਾ ਦਿਓ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੈਰੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਐਡ ਕਰੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦਾਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਸਕਿਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਜਸਟ ਯੂਜ਼ ਫਰੈਸ਼ ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੈਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਰਜਿਨ ਕੋਕੋਨਟ ਆਇਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਨਿੱਕੇ 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 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਛੋਟੇ 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 ਦਾਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਸ਼ ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੈਲ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਰਜਿਨ ਕੋਕੋਨਟ ਆਇਲ ਤੀਜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਕਰਾ ਕੇ ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਬਹੁਤਾ ਠੰਡਾ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖੋ ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟਿਪਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ ਐਂਡ ਡੋਂਟ ਫੋਰਗੇਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੀ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਕੱਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਆ ਜਾਣਗੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਰਸੋਂ ਸ਼ਾਮੀ 7:30 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਂਗੇ ਵਿਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਲਈ ਐਕਸਾਈਟਡ ਰਹੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਪਸ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਬਿਊਟੀ ਟਿਪਸ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਹੈਲਦੀ ਟਿਪਸ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਬੀਨਾਰ ਹੈ 100% ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲੇਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀਗੀਆਂ ਵੈਬੀਨਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨੈੱਟ ਪੈਕ ਪਵਾ ਲਿਓ 7:30 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੀਦੀ ਨੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੈਬੀਨਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿੱਥੇ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਬੁੱਕ ਡਾਇਰੀ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਰੱਖਣਾ ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਔਰ ਨੈੱਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਔਰ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਆਰੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੀਚੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਵੈਬੀਨਾਰ ਪਰਸੋਂ ਸ਼ਾਮੀ 7:30 ਵਜੇ 16 September ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਆਈ ਹੋਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਸਟ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੋ ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈਆਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਐਂਡ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਯੂ ਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੇਂਜ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਵੈਬੀਨਾਰ ਜੋ ਟਿਪਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੀ ਜੋ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਵਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਾਂਗੀ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਾ ਕਦੀ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੀ ਲਾਈਵ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਐਂਡ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਆਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.counsellingwithjc.com ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀਨ ਕਰੋ ਵੈਸੇ ਉਹ ਹੁਣ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ 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 ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਭੇਜੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਵਟਸਐਪ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਸੇਜ ਆਏਗਾ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਲੀਜ਼ ਕੋਲਡ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋ ਵੇਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਫੋਰਨ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀਗੇ ਔਰ ਪਹਿਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰ ਵੇਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਟ ਰਿਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਇਟ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਬਣਨ ਸੇਮ ਮਾਹੌਲ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਟੀ ਹੈ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਸਟਲ ਪਿਸਟਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਇਹ ਕੋਈ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠਾ ਠਾ ਕਰੂੰਗਾ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਊਂਗਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚਾ
कोई भी रूप ले सकता है। यह जी चीजा बच्चों दोस्तियां नहीं करवानियां, बच्चों अच्छे टॉयज लेके दो, मोटिवेशनल चीजा लेके दो कि बच्चे सीखन कुछ बनन। आप अपनी जिंदगी कि कुछ सीखते हैं किन्ने लोगों को देखे ना, कुछ लोग होंगे सू बड़ा इंसपायर करते हैं, फेसबुक हो गया इंस्टाग्राम, उन्होंने दी फोटो देख के या वीडियो देख के सू लगता है वाह कितनी मेहनत करता है यार बंदा अपने शरीर से। यह जी चीजा बच्चों को सिखाओ। उन्होंने क्रिकेट का शौक है, क्रिकेट बारे नॉलेज दो। जिस भी चीज का उन्होंने शौक है, जिमिंग का शौक है, जिम बारे नॉलेज दो, बट उन्होंने इनफॉर्मेटिव गल्लां करो, उन्होंने उल जरूर गल्लां ना करो। बच्चे साडा भविष्य है, साडा फ्यूचर है, साडी इनवेस्टमेंट है। जिवें साडी बॉडी साडी सब तो वड्डी इनवेस्टमेंट है, ओदा ही साडे बच्चे साडी सब तो वड्डी इनवेस्टमेंट है। इन्हां दा ध्यान रखो। आप ही ना सारा दिन फोना ते लग्गिया रहा करो, मैसेज कदे इंस्टाग्राम रील ही देखी जा रहे हो, ते बच्चा पता नहीं की करदा। गिव टाइम टू योर किड्स, थोड़े बच्चे जो तुसीं अज करोगे सेम ओह चीज़ां कल नूं करनगे। देखेंगे मम्मा सारा दिन फोन पे लगे, आप भी सारा दिन फोन पे लगे रहोगे। सो लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, सी यू डे आफ्टर ऑन वेबिनार। सो लव यू, लव यू, लव यू, लव यू, लव यू।